हाय डैड। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसा दिन गुजरा? बहुत अच्छा। ग्रेट। वो निम्रा कहाँ है? उसकी कार बाहर नहीं है। वो बाहर गई है, किसके साथ? दोस्त के साथ गई है। अच्छा, अब मैं तो चेंज करके आता अब डैड, बोलो। मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ ना, करो बताओ। मैंने अपनी लाइफ को लेकर एक फैसला किया है। मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। ये ख्याल तुम्हारे जहन में कहां से आया? जहां से भी आया हो क्या फर्क पड़ता है डैड? दरअसल निम्रा हारिब के पास इसी हवाले से बात करने गई है। अगर हारिब राजी हो जाते हैं तो हम बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे लगा कि तुम मुझसे पूछ रही हो, लेकिन तुम तो मुझे बता रही हो। ठीक, जहां जी चाहता है रहो, जिसका जहां दिल करता है जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डैड, मैं अकेला ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकता हूं। क्या बना रही है आज खाने में? तुम वो बात करो जो तुम करने आई हो। खाने की फिक्र तो तुम तब करो जब तुमने खाना खाना हो। कई दिनों से तुम ठीक से खाना ही नहीं खा रही हो। आपने राबिया आंटी से बात की? हाँ, की थी। तो फिर हमदान अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया है? पता नहीं। तो फिर पता करे ना मम्मी। इतनी उतावली क्यों हो रही हो माया? क्योंकि मेरे दिल में डर बैठ गया है। कैसा डर? कि हमदान गुस्से में आकर खुला के कागजात पर दस्तखत ना करते। मैं मां नहीं बनने वाली। अगर तलाक हो भी गई तो बच्चे के पैदा होने तक नहीं होगी। अगर हमदान ने मुझे छोड़ दिया तो मैं सारी जिंदगी उससे नहीं मिल सकूंगी। तुम्हें इतना डर था बेटा तो नोटिस क्यों भिजवाया? आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। तो मेरी बच्ची में दे रही हूँ ना तुम्हारा साथ। अब सबर करो ना। नहीं होता ना मुझे सबर। मैंने अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन हमदान पे कोई समझौता नहीं है। उजलत करोगी तो हमदान फिर से सर पे चढ़ जाएगा। तू चढ़ जाए सर पे, मुझे नहीं है परवाह। जब से मैंने होश संभाला है मैंने सिर्फ हमदान को ही अपने दिल में पाया है। मेरी जिंदगी में अगर हमदान नहीं है तो इस बंद जायका जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। खत्म हो जाना चाहिए इसे। शदीद मोहब्बत करती हूँ ज्यादा। समझाओ मैं आपको कैसे? मैं समझ रही हूँ मेरी बच्ची, समझ रही हूँ। इस मसले को हल करती हूँ। जल्दी करेंगे, इस दफा मुझे वाकई खो बैठेंगी। मैं माफी चाहती हूँ मुनस्सा। मैंने हमदान के घर के साथ साथ उसे भी छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो और माया से कहना कि वो भी मुझे माफ कर दे।